स्वागतम खुशामदीद, वेलकम टू गेमर्स आउट। तो शेर के बच्चे के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज मेरे दिल को सुकून मिलेगा क्योंकि आज काफी टाइम के बाद अमन के टीम में से कोई एक मेंबर एलिमिनेट होगा। देखो यार, रिजल्ट देख करके मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के फैंस कम है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि रैंडी ऑर्टन के फैंस ना सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि 470 वोट और 250 वोट के साथ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एलिमिनेट हो चुके हैं और रैंडी ऑर्टन मेरी टीम में वापस आ चुके हैं। और वापस आने से याद आया कि ये आज का मैच हम लोग को वापस आके जीतना है। मेरी टीम में इसलिए रहने वाले द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जे ओसो और पहली बार एल ए नाइट। तो भाई, अब रोमा रेक्स की टीम में एक नल्ले सुपरस्टार जिन्होंने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है। सीएम पंक क्या कर रहे हो यार, प्लीज अपने आप को प्रूव करो। और एजे स्टाइल जिसका परफॉर्मेंस अभी तक ठीक है, और रोमा रेक्स के बारे में मैं क्या ही कहूं यार, रोमा रेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल नहीं रहा है। अब सेथ रॉलिंस के बाद ना टारगेट है मेरा जे ओसो, यही निकम्मा स्पीयर भाई, स्पीयर लगा दिया जे ओसो ने। जे ओसो को मैं इसीलिए लेता ही हूं स्पीयर लगाने के लिए, फ्रॉग स्प्लैश वाला फिनिशर तो एकदम ही वेस्ट है इसके लिए। और कोडी रोड्स के पास तो तीन तीन सुपर फिनिशर, कोडी रोड्स को ही टैग दे दिया इसने। भाई अब देखते हैं सीएम पंग यार, कभी तो अपने आप को प्रूफ कर लो। देखो प्रूफ भी नहीं कर पाया, कोडियोस को मौका मिलेगा नहीं कि वो दे देगा। नाइट सीएम पंग बिल्कुल अच्छा जा रहे हो, बस एक उठा के फिनिशर दे दो, दो तीन फिनिशर उसके बाद एलिमिनेट हो जाना तुम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कसम से। और भाई साहब, ये वाले टूर्नामेंट में मैंने देखा है कि अगर बंदे फिनिशर खाना चालू करते है ना, तो तीन तीन चार चार पांच पांच फिनिशर खा फिनिशर बचा लिया। बिल्कुल सही मेरे लड़के, लौंडा बेचारा, नहीं वैसे लौंडा मेरा लड़का नहीं है, डस्टी रोड्स का लड़का है वो भाई साहब, बिल्कुल सही। तो भाई सीएम पंग ने भी फिनिशर बचा लिया, दोनों ने एक दूसरे का एक एक फिनिशर बचा लिया। देखते हैं कि पहला फिनिशर कौन लगाता है, सीएम पंग या फिर कोडियोस। भाई साहब काफी देर हो गई, कोडियोस ने अभी तक फिनिशर नहीं लगाया। दो दो फिनिशर बाकी है भाई, कोडी रोड्स और सीएम पंक दोनों के पास, पर सिग्नेचर सीएम पंक एजे स्टाइल्स को मारो। मैं याद करना चाहूंगा कि पिछली वाली वीडियो में, जो वाली वीडियो में एजे स्टाइल्स था, भाई साहब खतरनाक खेलता है, तबाही मचा देता है, इधर उधर लेफ्ट राइट हर जगह मारता है। देख कोडी रोड्स, सीएम पंक का पता नहीं, पर एजे स्टाइल्स से संभल करके रहो भाई। मैं बता रहा हूं, अगर ये मैच में हारता हूं तो रोमन की टीम हारती है, तो सीएम पंक को टारगेट करो, यहां से निकालो यार सीएम पंक को। रनिंग बुलडॉग दे दिया है सीएम पंक, अबे एक फिनिशर भी दे दे यार, क्यों ऐसा कर। हाँ ये एकदम सही प्लान है, बाहर जाके काउंट आउट करके एलिमिनेट कर, मेरे बहुत बंदे काउंट आउट से गए हैं भाई। अरे हाँ याद है मेरे को, दो तीन बंदे तो काउंट आउट से गए तेरे, और एक्चुअली मेरे भी जा चुके हैं, रैंडी ऑर्टन। अरे लगा दिया क्रॉस रोड्स टाइम, भाई खत्म करो, ओवर फिनिश, रेफरी मैं तेरे को ₹5 दूंगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ कसम से। नहीं रोमन ने बचा लिया, मुझे लगता नहीं है कि ये सीएम पंग एक भी फिनिशर दे पाएगा। अबे एक फिनिशर तो दे दे यार, ऐसे क्यों कर रहा है भाई साहब। दूसरा क्रॉस भी रख चुका है, और आई थिंक एजे स्टाइल भी अब रिंग के अंदर आ जाएगा। गया गया एजे, अबे एजे आ जा, रेजेंस में चला गया भाई साहब। कोडी रोड्स ओपी और रोमन रेक्स अब आए हैं बदला लेने के लिए अपने चार पांच हार का। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। रोमन रेक्स को चार पांच बारी इसी सिंगल टूर्नामेंट में कोडी रोड्स ने पिन करवाया, चार पांच बार। अरे यार सीएम पंग रेजेंस लेके चलेगा यार, क्यों प्लीज, फिनिशर तो गया गया, रेजेंस भी गया भाई, इस्तेमाल करने का क्या लेते हो यार। रेजेंस, रेजेंस था कि नहीं था उसके पास, शायद रेजेंस नहीं था सीएम पंग के पास, या था मैंने देखा नहीं। जे उसको मार, रोमन रेक्स को जितना हो सके मार, पांच तक के लिए उसको इंगेज करके रख, रेफरी जल्दी काउंट कर ले मेरे भाई। लगता है रोमन भी गया, अरे मनुज जे उसको कभी तो भाइयों का रिश्ता याद कर ले भाई। अच्छा इसका भाई भी, तीन हो गया, गया रोमन रेक्स भी गया, अब रोमन रेक्स के बचने का कोई चांस नहीं, चार हो गया, गया। थैंक यू एले नाइट। एले नाइट को क्यों टैग दे दिया कोडी रोड्स यार। एले नाइट आज तुम्हारा पहला वीडियो, मतलब कि पहला ये वाला जो टूर्नामेंट है उसमें तुम पहली बार ही आ रहे हो, तो यार प्लीज अपनी इज्जत तो डाउन मत करो कम से कम। अच्छा खासा भी रोमन एलिमिनेट हो जाता। लो अब रोमन को जोश आया, रोमन स्पीयर दे भाई, फाइनली मैच का पहला स्पीयर लग चुका है, नाइस। लेकिन अभी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वन टू किक आउट। मुझे एजे स्टाइल से बस थोड़ी बहुत उम्मीद है, एजे कुछ तो कर ले भाई मेरा। ओ भाई साहब फिनिशर रोक दिया, दूसरा स्पीयर, नाइस वेरी गुड, दूसरा स्पीयर। भाई एजे स्टाइल्स कुछ करे नहीं करे, मैं उसके करने से पहले डर के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि एजे स्टाइल्स तबाही कर देता है। देखो अगर उमंग की टीम हारती है ना, जो कि हारेगी, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि एजे स्टाइल्स को रहने की जरूरत नहीं, उसको घर भेजो, आराम करेगा वो एजे स्टाइल्स। तो इसलिए एजे स्टाइल्स टाटा, और इसलिए एल ए नाइट कोडी रोड्स और जे उसो मेहनत करके रोमो और एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट करो, कुछ भी करो।
तो भाई लोग यार रोमन की टीम जैसा कि मुझे लग रहा है कि हार जाएगी। सीएम पंक चला गया रेजिडेंस लेके, अरे रेजिडेंस तो इस्तेमाल कर देता, कम से कम इन लोगों का फिनिशर तो खत्म करवाता। फाइनली आ चुका है एजे स्टाइल। एजे अब तुम्ही से उम्मीद है भाई, एजे प्लीज सबको एलिमिनेट करो। जे उसोस, अगर मैं ये मैच जीतता हूं ना तो जे उसोस को एलिमिनेट करो, एक गद्दार के बाद दूसरे गद्दार का नंबर है। अच्छा जे उसोस से याद है कि तेरी टीम में जिमी उसो भी है, अभी तक तूने उसको लिया नहीं है, मतलब ये क्या सीन चल रहा है? जे उसो वेट कर रहा है कि जैसे उसने रेसलमेनिया में हराया था भाई, रेसलिंग करने क्यों लगे? दो दो फिनिशर है जे उसो, क्या कर रहे हो? तो भाई जेउस उसको ज्यादा ही मार रहा है, लेकिन एजे स्टाइल को अब जोश आ चुका है। टीम की पूरी इज्जत तेरे हाथ में एजे स्टाइल, तेरा मैच होने वाला है कॉडियोस से। देख कॉडियोस तुझे देख रहा है, अभी तू दिखा दे कि तू कॉडियोस के पहली टाइटल डिफेंस में उसे हरा देगा, बता दे आज तू। भाई साहब एकदम पूरा, अरे तुम लोग एकदम प्योर रेसलिंग पे क्यों जा चुके हो? फिनिशर विनिशर है, एजे स्टाइल्स के पास तीन फिनिशर है, जे उसो के पास दो फिनिशर है, यूटिलाइज करो, हम लोग तीन तीन फिनिशर दे देते हैं इसी चक्कर में कि मोमेंटम बना रहे। यहाँ देखो एजे स्टाइल्स को क्या खिला कर खिलाता है मंगतू। भाई एजे स्टाइल काफी जोश में है, प्लीज इस जे उसो को अगर हेलमेट हो गया ना, एले नाइट का भी एनर्जी काफी कम हो गया है, जे उसो अगर हेलमेट हो गया ना तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी मुझे, ये मैच मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि सीएम पंक तो बेफिजूल में चला गया, क्या ही करूं मैं। स्टंट, ओ माय गॉड क्या परफॉर्मेंस है। एजे स्टाइल्स यार इतना मार क्यों रहे हो? फिनिशर है फिनिशर लगाओ या फिनिशर बचवाओ यार। मेरी टीम में से किसके पास? एले नाइट के पास तीन तीन फिनिशर है, एले नाइट वेस्ट क्यों कर रहे हो? यहाँ पर रिंग के अंदर बेचारा स्टंट हो गया, कितना पिटा रहे हो जे उसो, हो गया ना मेरे भाई। अरे कॉडी चीटिंग मत कर यार, फिनोमिनल फोरआर्म लगाने जा रहा था लौंडा। एजे स्टाइल का परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में एकदम सही है भाई। रोमन रेंस के फैंस, अगर ये वीडियो में हारता हूँ तो एजे स्टाइल को बचाओ, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीदों में से कोई एक है भाई, प्लीज। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एजे स्टाइल्स जितना, अरे सबको मार रहा है एजे स्टाइल्स, एले नाइट बिल्कुल सही भाई, एजे स्टाइल्स पागल है कसम से मैं बता रहा हूँ। ये देखो फिर पीछे पड़ गया एले नाइट के, अरे पागल वागल है क्या है भाई? जे उसको एलिमिनेट होने वाला है, तू ये देख ले, अरे जे अभी नीचे मर जाता यार, चार हो गया था यार। हाँ तो ठीक है, मेरे एले नाइट ने भी तेरे रोमन रिक्स को बचाया था, भूलना मत। अरे यार चार हो गया था, अच्छा खासा चार हो गया था, जीत सकता था रोमन रेक्स यार। जे उसको एलिमिनेट हो जाता, एजे स्टाइल को अपना फिनिशर खत्म करने तक का जरूरत नहीं पड़ता। भाई साहब एजे स्टाइल्स तो भाई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बताऊं उसको जे उसो में इंटरेस्ट ही नहीं है। एजे स्टाइल्स क्या कर रहा है कि रिंग के बाहर जो पार्टनर है ना उनको कंटिन्यूअसली मार रहा है, एकदम सही रोम। हाँ तो मारेगा नहीं क्या? एजे स्टाइल अटक गया, लो एजे स्टाइल भी हेलमेट अटक गया। भाई मेरी किस्मत खराब है मैं बता रहा हूँ, मनु समय तीन गया एजे स्टाइल, अटक गया पूरा, हिल नहीं रहा है भाई। एले नाइट अपने बॉडी का यूज कर और इसको एलिमिनेट। कोडी रोड्स क्यों भाई, क्या जरूरत थी ऐसी करने की? एलिमिनेट हो जाता यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? आई लव यू कॉडी, आई लव यू, आज इस मोमेंट के लिए मैं तुझे लव यू बोलता हूँ। रोमन रेक्स को मत मारना, कम ऑन फाइनली एक फिनिशर दे दिया, नाइस गया कॉडियोस की हेल्प गई, रेजिडेंस गया, कुछ तो जाएगा। अरे दोनों बाकी आ जाएंगे, निकम में नहीं आया, आ गया एलेनाइट। अच्छा एलेनाइट ने आकर के बचा लिया है और कॉडी रोड्स का अभी तक रेजिलेंस भी इंटैक्ट है, यानी रेजिलेंस भी गया नहीं है। अरे ये देखो एलेनाइट के ये पीछे पड़ा हुआ है, रेसलमेनिया हो गया, खत्म, ओवर भाई, अभी क्या कर रहे हो? और भाई तुम स्मैकडाउन में एलेनाइट को हरा चुके हो, उसी को हरा के कंटेंडर बने हो, तुम क्या कर रहे हो यार? हो गया बदला पूरा, कॉडी को मार, कॉडी को मार, टाइटल दे दूंगा मैं। कॉडी के पास फिनिशर है, ऐसे पंगा नहीं लेने का कॉडी रोड से। अच्छा एजे स्टाइल के पास रेजिलेंस तो है ही अभी, और अभी बहुत हेल्दी भी है। अच्छा रोमन आ भी नहीं सकता वैसे भी, चलो क्योंकि आउट कर दिया। मैं बताऊं एले नाइट या फिर जे उसो को टैग दे दो, इन लोगों के पास फिनिशर भरा हुआ है। कोडी रोड्स तेरे पास फिनिशर है नहीं, वेस्ट मत कर फालतू। अच्छा जे उसो तो एले नाइट कोई नहीं आ सकता अभी कोडी रोड्स की हेल्प के लिए, दोनों आ चुका है, यानी कि एजे स्टाइल और कोडी रोड्स का वन ऑन वन मैच चल रहा है, नाइस वेरी गुड। यानी कि पेपरव्यू से पीएलई से पहले हम लोग देख चुके हैं कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स, देखते हैं कि कौन जीतता है, देख लेते हैं। लो डस्टी सर का मूव मार दिया भाई, एजे स्टाइल कितना अच्छा फिनिशर देने वाला, लो आ गया निकम्मा एले नाइट, एले नाइट भी आ चुका है रिंग के अंदर, तीन तीन फिनिशर यूज, पहली बारी फिनिशर लगाया इसने इस मैच के अंदर। अरे रेजिडेंस इस्तेमाल कर लिया भाई, स्टंट वाला पेबैक उसने यूज कर लिया, और ये मोमेंटम कहां गायब हो गया? मोमेंटम सर, अरे ये तो कैमरा एंगल ऑन हो गया, रुक जाओ। खुशी में तू कैमरा क्यों हिला रहा है? मेरी टीम हारने की खुशी में मैं देखता हूँ। रोमन को भी फिनिशर पड़ चुका है, दो मिनट ये कैमरा एंगल से तुम लोग देख लो, रोमन को भी फिनिशर पड़ गया। एजे स्टाइल और सीएम पंक बिना अपना रेजेंस यूज किए गया, मैं क्या ही बोलूं। चलो भाई तू कैमरा एंगल खुशी में नचा रहा है क्या? हाँ भाई मजे तो आ रहे हैं, रोमन को देख, रोमन बेचारा हताश होकर के रिंग साइड पे पड़ा हुआ है। एक मिनट में मैं सुपरस्टार हर्ट भी ऑन कर दे रहा हूँ, रुक जाओ तुम लोग, ऐसे देखने में काफी मजा आ रहा है, लग रहा है कि रियल WWE चल रहा है जिसमें रोमन पिट रहा है।
भाई साहब रोमन क्यों ऐसे करो, एजे स्टाइल सीएम पंक निकम्मो। अच्छा अभी हो गया, रुक जाओ सुपरस्टार हट ऑन कर देता हूँ मैं, रुक जाओ। नीचे हेल्थ वेल्थ नजर नहीं आ रही है क्योंकि भाई साहब दोनों के दोनों निकम्मे यार, ये गलत हुआ। रीमैच लगाएगा क्या? नहीं रीमैच होगा अगले कल। वो रीमैच तो ना होगा, वो तो नया मैच होगा। हाँ तो वही तुम्हारी सिग्नेचर दे दिया, पेडिग्री लगा दिया। बिल्कुल सही मेरे भाई, अभी इसका रेजिलेंस लेकर के जाओ। रोमन तुम्हारा टाटा बाय बाय हो चुका है, फाइट करने की कोशिश मत करना। भाई साहब तीनों के तीनों हैं, तीनों के तीनों हैं, और रोमन के पास सिर्फ एक फिनिशर है। सीएम पंक और एजे स्टाइल बहुत गंदा धोखा दिया भाई। रोमन एक्स के फैंस, रोमन एक्स को तुम्हारी, अब तुम्हारे ट्राइबल चीफ को अपनी ट्राइब की जरूरत है यार। प्लीज सीएम पंक को एलिमिनेट करो, एजे को बचाओ, नेक्स्ट मैच हम लोग जीत जाएंगे। गलती से भी एजे स्टाइल्स नहीं बचना चाहिए, वो टॉर्चर एक नंबर का। सीएम पंक को झेल लेंगे हम लोग यार, और सीएम पंक अभी अभी WWE में आया, उसको चांस देंगे हम लोग। हम लोग अच्छे इंसान लोग हैं, ठीक है। ही करेगा सीएम पंक, लो स्पीयर टाइम, लेकिन कितना स्पीयर देगा रोमन, क्या ही कर सकता है रोमन। मैं तो देख रहा हूँ एक स्पीयर पड़ चुका है। एले नाइट आ सकता है, एले नाइट रेजलेस मत यूज होने देना प्लीज, जल्दी फटाक से आ जाओ। हाँ आ गया, चलो बिल्कुल सही। मनुस एले नाइट तेरे को टाइटल मैच कभी नहीं मिलेगा, अच्छा हुआ एजे स्टाइल से हारा तू, मजा आ गया, दिल खुश। मेगा स्टार स्टोन कोल्ड की सस्ती कॉपी। अब जो भी ये सस्ती या महंगी, एजे स्टाइल्स को तो इसी ने हेल्प करा है एलिमिनेट करने के लिए। भाई साहब आते के साथ दो तीन फिनिशर लगाए। रोमन के पास क्या, रोमन के पास कुछ नहीं है, कॉडी के पास एक फिनिशर है, कॉडी रोड्स मेरे भाई। रोमन, अरे यार रोमन पिन करवा दो भाई साहब, बिल्कुल सही है, कोई नहीं आ सकता। एक ऑडी रेजिडेंस यूज मत करना, मेरे दोनों बंदे ऐसे ही चले गए, प्लीज मत यूज कर, कर लिया। अच्छा रेजिडेंस यूज कर लिया, पर दोनों में से कोई आ नहीं सकता है, नहीं जे उसो और नहीं एले नाइट। यार तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो मेरे भाई, ये दोनों तो कुछ नहीं करने वाले। कोडी रोड्स के पास ना ही रेजिलेंस है और ना ही हेल्थ है, सिर्फ एक फिनिशर है भाई, लगा दे। रेसलमेनिया रिपीट करते, रेसलमेनिया 40 इन द नटशेल प्लीज। भाई साहब रोमन प्लीज कोडी को एलिमिनेट कर दे, आ गया निकम्मा एले नाइट। बाप रे बाप एनर्जी है इसकी भाई, क्या ही कर सकता हूँ मैं, इतनी बड़ी नहीं जीत सकता। अगर रोमन जीत गया ना तो तीनों के तीनों बंदे अमन के एलिमिनेट भाई, सिर्फ और सिर्फ एक फिनिशर की दूरी है, रोमन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। एले नाइट फिनिशर टाइम, इट्स फिनिशर टाइम, हो गया भाई। रोमन बहुत खेल लिया, इससे ज्यादा फिनिशर लगा दिया एले नाइट ने, बिल्कुल सही। बेचारा अकेले क्या ही कर सकता था रोमन, देखूं मैं 1 2 किक आउट, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है लौंडा, लेकिन क्या करूं, कोई साथी नहीं है रोमन। अभी यार पिन करवा लेता एले नाइट, के पास फिनिशर भी ओवर हो चुका है। किसके किसके पास फिनिशर है, बॉडी के पास फिनिशर है और जे उसो के पास फिनिशर है, वो फ्री पिन में भी नहीं पड़ जाएगा रोमन। बेचारा रोमन कब तक ऐसे खेलेगा, बेचारा लड़ रहा है, जब से टाइटल हारा है ना, मैं बता रहा हूँ सदमे में चल रहा है रोमन, तब से खराब सदमे। मैं बताऊँ जब से टाइटल हारा है ना रोमन, तब से उसका 2K24 के अंदर भी स्ट्रगल चालू हो गया है, और कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि शेयर का बच्चा रोमन एक्स वन साइडेड जीतता था। अरे अकेले चार चार तीन तीन किसी को आने तक नहीं देता था, तीन तीन चार, और अभी देखो खुद आने को रेडी नहीं है, बोलता है कि रोमन एक्स के मुझे एलिमिनेट करो। वो तो अच्छा हुआ कि आज रोमन, अरे भाई साहब जे उसको पांच ही करवा देना इसका, खत्म करो मैटर। अबे भाइयों के नाम पे कलंक कर दे एले नाइट के ऊपर, कुछ जान नहीं सकता। बिल्कुल सही, अभी इसको फिनिशर लगाओ बाहर में। लो अब रोमन एक्स भी लगता है काउंट आउट से ही जाएगा एक, अरे एकदम सही जे उसो, बिल्कुल सही मौका है भाई साहब, एक हो चुका है दो। रोमन के बाद एक स्पीयर आ चुका है, गया। अरे रोमन अच्छा मौका है भाई, जे उसो को भी तू काउंट आउट से भेज सकता है। अरे दोनों, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों एलिमिनेट हो जाओ, पर हो जा, अरे चार में घुस गया। अरे जे उसो तुझे भी घुसना है, क्या कर रहा है, फिनिशर है तेरे पास, ये कैसा मारता है तू, लगता भी नहीं है यार। लो कॉडी, अरे आप तो चीटिंग मत कर, कहानी तो खत्म कर ही दी, अब क्या चाहता है, क्या हो, मतलब कहानी तो खत्म कर लिया, पर कहानी का मेन विलेन गायब हो गया है, मजा नहीं आ रहा है फिर वैसे। भाई पब्लिक चैंट कर रही है, मजाक मत करो, वी वांट रोमन, वी वांट रोमन। स्मैकडाउन देखा नहीं था क्या, एक स्पीयर तो मिलने वाला है, आएगा अभी तो। रोमन का टारगेट तो सोलो पे फिक्स है, वो भी तेरी टीम से निकल चुका है, और अभी क्या बोल सकते हैं, वो तो WWE का रियल एंगल है। जानते हैं हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, बेचारे को भाई लोग मार रहे हैं, सारे भाई गद्दार होते, सबके सब भी। अच्छा सेकंड टाइम लगाने नहीं दिया रोमन ने भाई साहब, रोमन ने बोला कि सेकंड टाइम कुछ भी करो, एले नाइट इज इन द रिंग, भाई तेरे पास कुछ नहीं है, बार बार टैग लेकर के अंदर क्यों आ जा रहा है, तूने को जो करना था तुझे वो तू कर चुका है। सुपरमैन पंच नाइस, जे उसको बचाएगा नहीं, तुझे तेरी माँ की कसम, जे उसको बचाएगा ही भाई, तो अंदर तक आने का जहमत नहीं उठाया। अच्छा एक बात बताऊं, और जे उसो के नाम के आगे क्रॉस भी नहीं लगा है, क्योंकि रेफरी ने देखा नहीं है, रेफरी भी बेहोश। मैं तो बता रहा हूँ चेयर निकाल के मार रहा है इसको, धुंध एले नाइट को। बेचारा रोमन 4 मिनट तक अकेले सर्वाइव कर रहा है विदाउट रेजिडेंस। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सर्वाइव कर गया एले नाइट, खत्म कर इसका, रोमन इसका सर्वाइवल इस वाली वीडियो में ओवर कर दे। फिनिशर है
यार ऐसे टाइम पास, वही मैं बोल रहा हूँ, एले नाइट को क्यों टैग दे दिया यार, एले नाइट के पास फिनिशर भी नहीं था। लो बेचारा क्या ही कर सकता है, आ जाएंगे दोनों। और मनुष जेउसो ने बड़ी बत्ती लगाई ये वाले मैच में ना, जेउसो ने रोमन रेक्स की काफी ज्यादा लगाई है, बहुत ज्यादा। रोमन एलिमिनेट हो जाए लेकिन जेउसो को तीन चार स्पेयर दे गया, एलिमिनेट हो जाए तू हार जाइए मैच। सेठ के बाद ना मेरा नेक्स्ट टारगेट जेउसो से, सारे गद्दारों को मैं खत्म करूंगा। अब रोमन नीचे कहां जा रहे हो मेरे भाई, एले नाइट अंदर भी आना पड़ता है भाई, मैच के लास्ट टाइम में तीन हो गया, क्या कर रहे हो। लो अटक गया रोमन, और किसने अटकाया, जेउसो। किसने अटकाया, मैं बोल रहा हूँ कि जेउसो ये काम तू कर दे बस, तुझे को कैप्टन बना दूंगा मैं अभी के अभी। गया रोमन भाई, सीएम पंक को एलिमिनेट करना रोमन के फैंस, गया रोमन, अब कुछ नहीं लगता है। को कैप्टन, न्यू को कैप्टन इज हियर, जेउसो मेन इवेंट, ईट भाई ये कर दे बस, तू अपनी बॉडी का यूज कर ले, जल्दी कर। गया खत्म, एलए नाइट जीत चुका है, पर जीत का सारा शेयर जाता है सिर्फ और सिर्फ जेउसो को, जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस करके रोमन को हरा दिया, न्यू को कैप्टन मनुष जेउसो। तो दोस्तों मनुष्यत के साथ आज ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और सबसे पहले एजे साइज नहीं बचना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसको बाहर निकालो, खत्म करते हैं ये टीम को, ओवर करो यार। रोमन रेंस के फैंस सीएम पंक को बाहर निकालो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा एंड सी यू, एंड नेवर ट्राई दिस एट योर होम, टाटा गुड बाय, सी यू।